एक्सरसाइज क्या हो गया, एक पॉइंट एक अकला ट्वेल्थ हो गया ना। अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो पार्ट एक से लेकर के अभी तक बनाए गए सभी पार्ट को देख ले, या बीच वाले हैशटैग कुछ लेंगे तो सभी वीडियो का लिस्ट आ जाएगा। आप क्लास ट्वेल्व की संपूर्ण तैयारी आप यूट्यूब पर कर सकते हैं और अच्छी तरह के तरीके से, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। और सभी दिन आप जो है कि लाइव क्लास का 11:30 बजे से करते हैं, ऐसे चेंज होते रहता है। आप देख लेंगे प्ले लिस्ट में आकर के वीडियो लिस्ट में कि कब प्रीमियर होने वाला है, और उसके अनुसार आप देख सकते हैं या कभी भी देख सकते हैं सभी पार्ट को। तो देखो कहाँ तक सवाल हो गया था, पांच नंबर। आज क्वेश्चन नंबर क्या होगा, सिक्स। आप लोग अपने बुक को पलटिए और क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर सिक्स को। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R बराबर कोष्टक 1, 2 × 2, 1 द्वारा। देखो तो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है इसमें दिया है कि सो डेट द रिलेशन R इन द सेट 1, 2, 3 गिवेन R बराबर 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। समझ गया ना, एक सेट आपको दिया है, समझ लेना है। इस सेट का नाम दे दो ए मान लेते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, 1, 2, 3 और इस पर आधारित एक रिलेशन परिभाषित है। इसी पर सेट ए पर आधारित एक रिलेशन परिभाषित है, क्या है ये 1, 2 है और क्या है ये 2 है। अब देखो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए ये जो है न तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है ना, तो क्या लिखोगे, प्रूफ लिखेंगे। अब पाला रिफ्लेक्सिव, पाला रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में आप क्या लिखेंगे बोलो, एक से संबंधित नहीं है तो एक से संबंधित नहीं है, तो इसलिए आपको क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख दो। दूसरा क्या लिखेगा, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में देखो है हम लोग बन जाते सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें देखो दो, एक दो जो है आर का सदस्य है ना, जी सर, दो एक भी किसका सदस्य है, आर का सदस्य, इसलिए आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक। गलती से कत गलती से गलती अब देखो ट्रांजिटिव क्या देखना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में जैसे एक किससे संबंधित है, दो से एक दो आर का सदस्य है ना, यस, और जो है दो एक किसका सदस्य है, आर का, आर का सदस्य है ना, यस सर। इम्प्लाइज अब लेकिन देखो एक होना चाहिए उसमें, इसमें एक एक होना चाहिए ना, यस सर, क्योंकि इसका लास्ट इसका शुरुआत का एलिमेंट मिल गया, इसलिए छट गया, यस सर, तो बचा किया एक और एक, इसमें क्या होना चाहिए था, एक होना चाहिए, लेकिन एक एक है आर में, नॉट बिलोंग्स टू आर, हो गया ना, यस सर, इसलिए आपको आर क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, प्रूव्ड। तो हेंस यहाँ पर क्या लिखोगे, हेंस इस प्रकार आर इज सिमेट्रिक, क्या है, आर इज सिमेट्रिक, सममित संबंध, सिमेट्रिक, समझ गया ना, जी सर, बट ट्रांजिटिव। बोलो सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, समान है, यस सर, मतलब रिलेशन कर रहा है कि सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवेन बाय आर बराबर क्या है, एक्स वाई
तुल्यता संबंध है तो तुल्यता संबंध कब होगा जब रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होता तीनों रहता इसी को हम क्या कहेंगे समझ गया ना। तो ये आपको एक्सरसाइज 1.1 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखो रिलेशन जो है आपको सेट यहाँ पर दिया है क्या समुच्चय ए में आर बराबर ए बराबर क्या होगा सेट ऑफ ऑल द पेजेज ऑल द बुक्स समझ गया ना। ये जो है सभी बुकों का क्या है समुच्चय मतलब सेट ए। ये मतलब कोनो घर है उसमें सभी बुक रखा हुआ है समझ गया ना। सिंपल जी। अब देखो आर इस पर आधारित एक रिलेशन है। इस पर आधारित एक आर क्या है रिलेशन है मतलब कह रहा है कि एक्स वाई यानी दो को बुक को एक साथ रखेगा। दो बुक को क्या करोगे एक साथ रखोगे। इसका मतलब हुआ कौन एक साथ बुक को रखोगे इसमें पेज की संख्या समान होगा। इसमें क्या होगा पेज की संख्या समान समझ गया ना। एक्स एक्स एंड वाई वाई हैव एक्स एंड वाई हैव क्या होगा द सेम नंबर ऑफ पेजेज नंबर ऑफ पेजेज क्वेश्चन पर नहीं समझ समय। इसका अर्थ हो गया कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। समान एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है समझ गया ना। तो पहला रिलेशन क्या लिखेगा रिफ्लेक्सी। पहला रिलेशन क्या लिखेगा रिफ्लेक्सी। देखो प्रयास करो एकदम बढ़िया जो लगेगा आपको इंग्लिश में ही लगेगा। यस सही बात आप सही बोल रहे हैं। आप एक दिन लो कि एकदम सीखे में एकदम 3 महीना 4 महीना लग जाये ना। यस आदत लग जता समझ गलो ना। करते रहो ना मैथमेटिक्स में जो है ना इंग्लिश हिंदी का कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसमें ज्यादा थोड़े लिखना है थोड़ा थोड़ा बात। अब इसमें क्या है आपके पास हिंदी मीडियम का बुक है ये है सर उसको देख एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। इंग्लिश में क्या है एक्स एंड वाई है कोनो दिक्कत है। आप यहाँ पर देखो चलो हिंदी कोनो दिक्कत नहीं है हिंदी सर जी हम आप देखो रिफ्लेक्सी में कितने एलिमेंट लोगे एगो लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेगा एक्स 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 में पेजों की संख्या पेजों की संख्या क्या होगा समान समान नहीं होगा। यस सर समान लिख दिया ना। यस तो कोनो दिक्कत रिलेशन के अनुसार आ गया कि नहीं आ गया। रिलेशन जो कह रहा है कि पेजों की संख्या समान है तो दो को एक ही बुक को दो बार बोल देगा तो पेज बदल जाएगा नहीं सर जी बराबर है। इसलिए एक्स किससे संबंधित हो गया क्यों संबंधित हो गया क्योंकि संबंध बोल रहा है पेज की संख्या दोनों पेजों की संख्या समान क्या है समान समान क्या है समान है। तो एक्स एक्स से इसलिए संबंधित है कि दोनों पेज की संख्या क्या होगा समान है क्योंकि एक्स कोई दूसरा नहीं है ना जी। तो एक बुक में दो बार बोल देंगे पेज नहीं ना बदलेगा जितना पेज रहेगा उतना ही रहेगा। इसलिए कौन रिलेशन हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बोलो कौन नहीं समझा है कुछ इसमें नो सर। दूसरा क्या लिखेगा सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा क्या लिखोगे सिमेट्रिक। इसमें कितना एलिमेंट लगा दो। तो देखो परिभाषा से क्या होता है ए रिलेटेड बी। परिभाषा से क्या होता है ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड मतलब एक्स तथा वाई में पेज की संख्या समान क्या होगा वाई ए रिलेटेड क्या हो गया बी आ गया परिभाषा जी। उसको उठा देंगे तो कुछ होने होगा एक्स वाई है समझ गया ना। यस एक्स वाई है ना तो इसलिए यहाँ पर एक्स वाई लिए। अगर मान के चलो कि ए बी रहता तो हम क्या लेते हैं ए बी ए बी लेते हैं ना। तो वाई अब देखो वाई वाई से क्यों संबंधित है क्योंकि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है क्योंकि संबंध होने के लिए कुछ न कुछ कारण न होना चाहिए। एक्स और वाई क्यों संबंधित है क्योंकि दोनों में पेजों की संख्या समान है यही संबंध यही संबंध है समझ गया ना। तो यहाँ पर एक्स वाई
तथा वाय तथा वाय ने, देखो पेजों की संख्या समान लिखो या समान पेज यस सर बराबर पेजों की संख्या समान लिखो कि समान पेज लिखो बात एक चीज न हुआ जी समान पेज हाँ सर समान पेज है अब देखो उल्टा के बोलेंगे तो गलत भी होगा वह तथा एक्स में समान पेज ये गलत भी हुआ नहीं सर अगर गलत हो जाता ये लिखना गलत हो जाता ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा अब वाई रिलेटेड एक्स अब वाई किससे संबंधित हो गया एक्स गले गीत को गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं यस सर है कुछ इसमें नो सर आर एच क्या होगा आर एच सिमेट्रिक मतलब जो परिभाषा बोलता है सिमेट्रिक का वो प्रूव कर दो आप देखो ट्रांजिटिव तीसरा क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव ये भी हो भी करेगा ट्रांजिटिव मालूम ट्रांजिटिव इसमें कितने एलिमेंट तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड एक्स रिलेटेड वाई ए रिलेटेड बी होता है क्या होता है परिभाषा ए रिलेटेड बी एक्स रिलेटेड क्या होगा बी रिलेटेड वाई वाई रिलेटेड सी होता है बी रिलेटेड सी होता है जेड वाई रिलेटेड क्या होगा ए सी यहाँ पर बी वाई हो गया सी क्या हो गया जेड जेड हो गया ना आप देखो एक्स वाई से संबंधित है क्योंकि दोनों पेजों की संख्या समान है दिखेगा ना यस सर एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है समान पेज जी सर दिखेगा ना समान पेज जी सर देखो ये जरूरी नहीं है देखो भाषा ही चीज इसमें बुक में कराए ना एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तो वो भाषा भी यहाँ पर लिख सकता है जितना छोटा हो सके उतना लिखेंगे अब मैथ बना रहे हो तो एकदम छोटे एकदम लैंग्वेज को कम न करेगा जी तुम्हारा मन है लिखने का तो आप लिखने के लिए स्वतंत्र हो समझ गया ना जी नहीं तो मैं समान पेज को गलत हुआ क्या बात हुआ अब हम क्या लिख सकते हैं वाई जेड में वाई जेड में पेजों की संख्या समान वाई जेड में समान पेज समान पेज यस या सब पेजों की संख्या समान या पेजों की संख्या समान या समान पेज समान दिक्कत ये है सर जेड तो ना है पेज तो पेज मतलब नहीं है ना लेकिन रिलेशन में लेना होगा ना सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है यहाँ पर जो है ट्रांजिटिव है यहाँ पर क्या है ट्रांजिटिव में है तो तीन को लेना ही पड़ेगा एक को दे दिया ना तो रिलेशन ने दे दिया yes. तो रिलेशन मतलब क्या हो गया रिलेशन क्या जेड भी तब एक बुक होगा जेड भी एक बुक होगा नहीं होगा रिलेशन क्या है समान पेज वाला बुक तो डेट वो थोड़ी हो सकता है अनंतो बुक ले सकता है तो इसका मतलब एक्स वाई जेड मतलब तीनों मतलब समान पेज वाला बुक है समान पेज वाला बुक है जी समझ गया ना ये तीनों क्या है समान ये थोड़े भी है कि मन तुम सोचेगा एक्स वाई है एक्स वाई ये तो रिलेशन ने लिखा है जी यस दो बुक को लेकर के कंपेयर ने किया है जी सर ये जरूरी है कि दुई को बुक रहेगा हजारों को बुक ले सकता है यस हजारों गोवा बुक ले सकता है जिसमें पेजों की संख्या क्या है समान समान एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ ले सकते हैं लेकिन ट्रांजिटिव में तीन को होता है तो ट्रांजिटिव में क्या लेते हैं तीन को एबीसीडी कुछ समझ गया ना इसलिए सीन का ली और दिक्कत है लेकिन एक्स वाई बढ़िया सर जी एक्स वाई क्यों लिए क्योंकि यहाँ पर फॉर्म में एक्स वाई का समझ गया ना फॉर्म में एक्स वाई क्यों लिए क्योंकि का फॉर्म नहीं है एक्स वाई जेड का फॉर्म होता है बैठता है यस सर ले सकता है तुम चाहो तो ले सकते कोई दिक्कत नहीं लेकिन मीनिंग एक्स वाई का ना निकलेगा यस सर चलिए तो एक्स वाई में समान पेज है वाई जेड में समान पेज है इसीलिए एक्स जेड में भी समान पेज है होगा यस इसलिए एक्स किससे संबंधित हो गया जेड से जेड आर कौन हो गया आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों है तो यह हो जाएगा कौन चीज यू बोलेगा इक्विवेलेंस के संक्रमण क्रिया आर संक्रमण क्रिया आर इज एन क्या हो गया संबंध आर इज एन इक्वल वैलेंस रिलेशन इक्वी वैलेंस रिलेशन क्यों है क्योंकि सर जी तीनों हो गया इसका तीनों सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है चलिए करो तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर एक दो तीन चार पाँच में आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड सम है
समझ गया ना, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए बराबर, देखो इसमें पांच एलिमेंट है, एक दो तीन चार पांच, गिवन बाय आर बराबर ए बी सच डेट ए माइनस बी इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सो डेट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू इच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू इच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4 समझ गया ना। तो इसमें आपको सेट ए दिया है, सेट ए दिया है, इसमें कितने एलिमेंट है, पांच एलिमेंट, एक दो तीन चार, उसके बाद इस पर आधारित एक रिलेशन है, समझ गया ना। तो इसमें ए बी मतलब दो को एलिमेंट को साथ लेगा, कैसे एलिमेंट को साथ लेगा, माइनस बी, जिनका जिनका अंतर सम संख्या हो, जिनका घटो क्या हो, सम संख्या हो, समझ गया ना। इवन मतलब क्या होता है, सम, सम। तो आप मान के चलो कि रिफ्लेक्सिव की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव ओड में विषम होता, तो इसमें ए माइनस ए क्या करेंगे, ए माइनस ए स्वयं से नहीं करेगा, यस बी के स्थान पर भी क्या रखेगा, ए, तो कितना होगा, जीरो, जीरो इवन है कि ओड है, इवन है, जीरो इवन है, जीरो क्या है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, रिलेशन कह रहा है कि इवन है, रिलेशन क्या कह रहा है, इवन है, ए माइनस ए का घटो भी क्या कह रहा है, इवन है, दोनों का संबंध एक ही हुआ, नहीं हुआ एक ही संबंध, यस सर, रिलेशन भी सम, सम और घटो भी सम, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। आप देखो सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लेंगे, दो, तो ए रिलेटेड क्या करोगे, बी, ए रिलेटेड बी का क्या अर्थ, ए माइनस बी, ए बी से संबंधित है, क्यों है, क्योंकि ए माइनस बी का घटो जो है सम, सम है, इज इवन, इंग्लिश में समझ जाएगा ना, यस सर समझ जाएंगे, इंग्लिश में समझ जाएगा ना, कि हिंदी रहने दे, हिंदी सर भी बढ़िया होगा हम लोग को, चलो सबसे बढ़िया, वहां से कौन गा? ना, से निकल जी, हिंदी इंग्लिश साथ है लाइक, और बढ़िया होगा, ए माइनस बी क्या है, सम है, तो बी माइनस ए क्या होगा, बोलो तो बी माइनस ए भी सम में होगा, नहीं होगा, सम होगा, एक दो तीन चार का उदाहरण देखिए, तो कौन से, अच्छा ऐसे में से एक उदाहरण ले लो, जैसे मान के चलो कि हम क्या करते हैं, 2 - 4 कितना हो गया, 2 हो गया ना, यस, अब 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, दोनों सम में निकल गया, ए बी हो गया ना, क्या हो गया, ए हो गया, ए माइनस सी सम होगा, तो बी माइनस ए भी क्या होगा, सम होगा, सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए, पूरा पूरा, क्योंकि मोड में है तो ऋणात्मक भी आएगा, तो धनात्मक क्या होगा, मिलेगा, यस सर, जैसे मान के चलो कि 2 - 4 तो माइनस 2 होता है ना, मोड में तो प्लस 2, 4 - 2 क्या होता है, 2, तो मोड से निकलेगा क्या होगा, 2 रहेगा उसका, चलिए ये 2 आपको, ये भी क्या हो गया, 2 सम, ए माइनस बी सम है, तो बी माइनस ए भी क्या होगा, सम होगा, ए माइनस बी सम है, तो बी माइनस ए भी क्या होगा, सम होगा, सम होगा, आप देखिए बी रिलेटेड ए, आप देखो बी किससे संबंधित हो, ए से, ए से, उसके बाद ट्रांजिटिव में कितने लोगे, तीन को, तीन को एलिमेंट लेगा, ए बी सी, ए रिलेटेड परिभाषा के अनुसार सजा, रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, बी रिलेटेड सी, लिख लिया ना, यस सर, ए बी से क्यों संबंधित है, क्योंकि ए बी का घटक समान अति सम संख्या है, समझ गया ना, इनका घटक क्या है, सम है, सम संख्या, यहाँ पर लिख लेगा इजी वैन, क्या लिख देगा, इजी वैन मतलब सम है, और देखो बी सी से संबंधित क्यों है, क्योंकि इसका भी सम है सर, जिसका अंतर, क्योंकि इसका भी घटो सम है, बी से सी संबंधित है, बी से सी क्या है, संबंधित है, तो देखो संबंधित का मतलब हो गया कि बी माइनस सी, जैसे ए बी से संबंधित होता है, तो ए में से हम किसको घटाते हैं, बी को, अब बी रिलेटेड सी है, तो बी में से किसको घटाएंगे, सी को, यहाँ पर सर जैसे सी के बारे में तो चर्चा ना है, तो उसे घटाएंगे तो सम निकल जाएगा, लेकिन सी के बारे में नहीं, ट्रांजिटिव है ना रे, तो उसमें रिलेशन का पता लगाएगा, ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट लेगा, तीन को, तीन को, तो चर्चा का बात क्यों है, 2 को ले इसका मतलब ये को एलिमेंट होगा, 2 को एलिमेंट कुछ हो सकता है, यस सर, इजी वैन हो गया ना, आप 2 को इसीलिए मतलब क्या, ए माइनस बी भी कट जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा,
कट गया ना यस सर इजी बैंक ये क्या होगा ये मैंने सी इजी बैंक क्या होगा इजी बैंक मतलब क्या होगा ये रिलेटेड सी अब देखो ए सी से संबंधित हुआ कि नहीं हुआ यस सर आर क्या होगा आर होगा ट्रांजिटिव हुआ ना जी सर क्यों हुआ क्योंकि ए सी से संबंधित हो गया अंतर सम आर इजन क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन है एग्जांपल देख लो इसका एग्जांपल एग्जांपल खाई के देखो अब देखो मान के चलो बन गया वैसे बराबर तू होता देखने तू हो गया ठीक अच्छा 135 ले लेते हैं ये का मान 1 ले लिए यस सर थ्री ले लेंगे सी का मान थ्री का मान फाइव ले लेंगे सी का मान क्या लोगे सिक्स होगा देखो एक माइनस तीन करो मतलब ए में से ए माइनस बी दो आएगा दो तीन में से करेगा घटाओ दो सर तो शाम लिया सर घटाओ ये क्या हो गया दो हो गया सर एक में से किसको घटाओ एक में से पांच को घटाओ से पांच को घटाओ क्या हो गया चार सर विषम लिए इनन के रोल से कि दुगो संख्या सम होना चाहिए मतलब सम होना चाहिए मतलब विषम कोनो संख्या लेना तू घटा देखो ऐसा संख्या लेगा जिसका घटो सम हो जाए जी सर विषम हो या सम हो से मतलब विषम लेना है संख्या सम हो विषम से मतलब नहीं है लेकिन उसका अंतर सम होना चाहिए मतलब घटो सम होना चाहिए अब समझ में आया होना चाहिए सम इसका क्या है सेकंड सेकंड पार्ट है इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है बोलो तो और समुच दो चार के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं एक तीन पाँच कह रहा है एक तीन पाँच के सभी अवयव क्या है दो चार से संबंधित स्वयं से संबंधित है क्या है स्वयं से संबंधित आप देखो कैसे जैसे स्वयं मतलब एक और क्या लेगा तीन लेगा ना तो एक माइनस क्या करेगा तीन ये क्या हुआ दो ये क्या है आपको समीवेन जो रिलेशन कर रहा है सम सम हो गया ना एक संबंधित हो गया एक और पाँच को एक या पाँच ले लो चार हो तो एक का माइनस क्या करोगे पाँच ये क्या होगा चार ये क्या है सम सम है ना उसके बाद मान के चलो कि तीन और पाँच ले लो क्या लेगा दो होगा ये क्या है तीन माइनस पाँच ये क्या हो गया दो ये आपको क्या है सम है हो गया तो इसलिए एक तीन पाँच का जो एलिमेंट है स्वयं संबंधित हुआ कि नहीं हुआ हुआ ना प्रूफ अब फिर क्या कर रहा है दो चार का एलिमेंट स्वयं से क्या है संबंधित है दो चार का एलिमेंट स्वयं से क्या दूसरे से संबंधित है तो दो माइनस क्या करेगा दो माइनस चार अगर दो माइनस चार ये क्या हो गया दो होगा क्योंकि मोड में माइनस माइनस प्लस आ जाएगा प्लस होगा टू माइनस फोर क्या होगा माइनस टू होगा मोड में है तो प्लस आ जाता है प्लस हो जाता है इसलिए अब ये यहाँ पर देखो टू आ गया ना ये इवन हो गया ना जी अगर मान के चलो कि दो ने आके तीन आ जाता क्या आ जाता तीन आ जाता तो क्या संबंधित होता नहीं सर जी नहीं होता नहीं संबंधित क्यों है क्योंकि दोनों का अंतर जो है सम है सम हो जाता है संबंधित क्यों है इसका दोनों का अंतर सम सम हो जाता है इसीलिए अब फिर देखो क्या कह रहा है परंतु एक तीन पाँच का कोई भी अवयव दो चार से किसी अवयव नहीं संबंधित है जैसे एक तो तीन पाँच का एलिमेंट एक एक हो गया इसका एलिमेंट एक क्या हो गया दो हो गया ना यस तो अब क्या करो एक माइनस दो करो तो कितना हो गया एक सम है कि विषम है विषम है ओड तो देखो एक तीन पाँच का एलिमेंट दो चार के एलिमेंट से संबंधित हुआ ना सर जी तीन दो कभी घटाएंगे तो एक क्या होगा पाँच चार को घटाएंगे एकदम तुलना करके देखो जी सर ये क्या होगा ना क्या था ओड आता है ओडे आवश्यक हो भले संबंधित क्या नहीं संबंधित भले क्या की कह रहा है कहियो संबंधित है तो मैं सर जी